हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि सर मैं पढ़ता हूँ और मुझे याद नहीं रहता है, तो ऐसे कौन सी टिप्स हैं जिससे मुझे याद रहेगा। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपको चीज़ें याद भी रहेगी और आने वाले टाइम में लंबे समय तक याद रहेगी। तो मैं एक एक करके आपको बताऊँगा जिन पर हमको लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, किसी भी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेना है। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही बार आप सुनते हो याद रह जाती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपने पूरा फोकस किया और आपने इंटरेस्ट लिया। लेकिन जब पढ़ने की बात आती है स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करते हो, जो सब्जेक्ट टफ होता है उसमें आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो, जबकि उसके अंदर इंटरेस्ट लेना होता है। और जब हम लोग किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ हमको याद रहेगी। सेकेंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो है किसी भी याद करने के लिए कि आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, और सुबह जब हम लोग उठते हैं उस टाइम पे कम से कम 10 से 15 मिनट आपको मेडिटेट करना है। मेडिटेट का मतलब उस समय कुछ भी नहीं सोचना, अपनी आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स फील करना और मेडिटेट करना है। जब हम डेली 10 से 15 मिनट मेडिटेट करेंगे तो हमारा मेमोरी पावर इंक्रीज होगा। उसके बाद थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा सोने का टाइम। स्टूडेंट्स, आज के टाइम के अंदर जो ये जो डिजिटल मीडिया है, सोशल का ज़माना है, हम लोगों का सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स नहीं है। तो हमें प्रॉपर रेस्ट चाहिए अगर हमारा माइंड बहुत अच्छे से काम करे। तो इसके लिए क्या करना है, हमको जितना जल्दी हो हमें सोना है, हमें बिस्तर पर जल्दी जाना और उठना जल्दी है। इसका मतलब हमारा सोने का टाइम जो है नॉर्मली 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 हम लोग सो जाएँ ताकि हमारी नींद अच्छी हो जाए और हम लोगों को जो चीज़ हम लोग को ध्यान लगाएं या पढ़े वो याद रहे। तो स्टूडेंट्स, ये तीन चीज़ें हैं जिस पे जब आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें याद रह जाएगी। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इंटरेस्ट लेना है हर टॉपिक में, भले वो टफ हो या इजी हो। दूसरी चीज़ मैंने बताया, मेडिटेट करना है हमें मॉर्निंग में उठते ही। और थर्ड चीज़ जो मैंने बताई वो है हमारा सोने का टाइम जो है वो प्रॉपर करना है। जितना जल्दी हो सके हम रात को लेट नाइट तक न जगें, जल्दी सो जाएं, और प्रॉपर टाइम 11:15 साढ़े 11 तक हम सो जाते हैं तो हमारी नींद अच्छी हो जाती है और हमें याद रहता है। तो ये तीनों चीज़ें जब स्टूडेंट्स आप लोग फॉलो करेगा तो डेफिनेटली आपको चीज़ें याद रहनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो विद दैट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और ये वीडियो आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ये सब तकलीफ है उनको शेयर करें, और मेरे यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद दैट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।